दोस्तों विज्ञान कहता है ब्रह्मांड का निर्माण एवं जीवन की शुरुआत अपने आप ही हुआ है, यानी विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि व ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। असल में भगवान है कि नहीं इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। भगवान को ना ही सही साबित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन कभी आपने घर को बाहर खड़े होकर घर को देखना और जब कोई कहे इसे कोई बनाया नहीं तो ये अपने आप बना है तो ये आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि इसे मानव यानी इंसानों ने ही बनाया है। अगर सामने वाले कहे कि इसे साबित करो तो आप इसे कैसे साबित करेंगे, तो आप कहेंगे कि सब व्यवस्था से ही बना है। लेकिन फ्रेंड्स व्यवस्था अपने आप नहीं हो सकती, घर बनाने के लिए ईंट नींव खिड़की दरवाजे आदि सामानों की व्यवस्था करके बनाई जाती है। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए, क्या आप कोई व्यवस्था नहीं मिलती? जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा खुद कुछ नहीं खाता, वह माता के अस्तनों में दूध उतर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है दूध पीने के लिए खुद ब खुद माँ के सीने से लग जाता है या खुद अपना मुंह चलाने लगता है, ये व्यवस्था नहीं है? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वहीं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है ताकि मौसम बदल सके। जब गर्मी अधिक पड़ती है तो समुद्र से जल उठकर बारिश होती है, तब सारे जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। ये सब कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं जो प्रकृति ने इन सब व्यवस्थाओं को बनाई गई है। जिससे यह व्यवस्था बनाई गई है उसे अल्लाह गॉड वाहेगुरु भगवान कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मान्यता है पर निर्भर करती है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया, भगवान कहाँ से आया। हमारी पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है नेपच्यून, पृथ्वी से 760 गुना बड़ा है शनि। बृहस्पति को देखिए, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकते हैं। सूर्य ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है, 1,30,000 इसमें 1,30,000 पृथ्वी समा सकते हैं, है ना सूर्य सबसे बहुत बड़ा। अगर सूर्य की तुलना सीरियस नामक तारे से करें तो हमारा सूर्य भी छोटा दिखाई देगा। सीरियस सबसे बड़ा तारा नहीं है दोस्तों, उससे भी बड़ा तारा है पोलैक्स, लेकिन पोलैक्स से भी बड़ा तारा है आर्किट्रस आइस क्यूरी। न जाने कितने अरब खरब तारे मौजूद हैं, यह है आकाशगंगा यानी मिल्की वे। यहाँ से लाख गुना जूम करके भी देखेंगे तो हमारी पृथ्वी दिखाई नहीं देगी। अभी बात खत्म नहीं होती दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। ऐसे ही ना जाने कितने आकाशगंगा जिसमें अरबों खरबों तारे सूर्य पृथ्वी ग्रह सब समाये हुए हैं, यह इन सबसे मिलकर बना है ब्रह्मांड। ये देखिए हमारा ब्रह्मांड, इसकी विशालता को प्रकट करने में हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। ये हमारा ब्रह्मांड, फिर भी हम उसी बात पर आते हैं, जब हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, फिर भी इसका जवाब देना नामुमकिन है। फिर भी इसका जवाब सीधा है, हमारा ब्रह्मांड की विशालता एवं व्यवस्था के आगे हमें एक माइक्रोबैक्टीरिया है। हम यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्यों है और सृष्टि की रचना क्यों की। भले ही भगवान ने हमें सब जीवों में ज़्यादा समझदार बनाया, भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी कि ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को सुलझा सकें, भगवान ने हमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया, लेकिन हम भगवान को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम अपने धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं अपने भगवान की अल्लाह की रक्षा करता हूँ। अरे भाई तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने यह विशाल ब्रह्मांड बनाया? हम लोगों की उस भगवान अल्लाह वाहेगुरु के सामने छोटे कीड़े हैं कीड़े, तो हम लोगों को पल भर में खाक मिला सकता है, उसकी हम रक्षा कर सकते हैं? कोई कहता है यहाँ राम मंदिर बनेगा, कोई कहता है यहाँ मस्जिद बनेगी,
उन्हें तुम्हारे घर की ज़रूरत है। अरे पगले, वो सबसे बड़ा है, वहाँ अनाथालय बना दो ताकि अनाथ बच्चों को वहाँ सहारा मिल सके। तुम उसी की फरियाद करते हो और उसी को गालियाँ देते हो। अरे भाई, वो सबको देख रहा है और सबकी सुन रहा है। इंसानों ने अलग अलग नाम रखे हैं, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, लेकिन है ना सबका मालिक एक। आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।